Assalamu alaikum students, hope you all are doing well. So we are discussing chapter number 7, properties of matter. और जो आज हमारा टॉपिक है इट इज़ इलास्टिसिटी. तो इलास्टिसिटी जो है ये क्या होता है, इसके ऊपर कौन कौन सी चीज़ें जो है वो अफेक्ट करती हैं, आज हम इसको डिस्कस करते हैं. द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू रिस्टोर इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप एज द डीफॉर्मिंग फोर्स सीजेस टू एक्ट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी. तो इलास्टिसिटी सिंपल जो है वो हमारी डेली लाइफ के अंदर हम जो भी एग्जांपल्स देखते हैं कि किसी भी चीज़ के ऊपर जब फोर्स लगती है तो ऑब्वियसली उस फोर्स का कोई ना कोई रिएक्शन होता है. ठीक है, तो इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग अगर तो हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी बॉडी पे, लेकिन उस फोर्स के अगेंस्ट वो बॉडी डीफॉर्म नहीं होती, दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजिशन जो है वो मेनटेन रख लेती है. मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि किसी भी बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी कि जब हम उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करते हैं, यानी डीफॉर्मिंग फोर्स, कोई भी फोर्स जब किसी बॉडी पे एक्ट होती है तो वो उसकी शेप को, वॉल्यूम को और लेंथ को अफेक्ट करती है. तो कोई भी बॉडी जिसके पास एक ऐसी करेक्टरिस्टिक होती है, ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी किस्म की फोर्स जब उस पर अप्लाई की जाए तो उसकी शेप, लेंथ या उसका वॉल्यूम जो है वो चेंज ना हो और वो अपनी ओरिजिनल जो है वो कंडीशन के अंदर दोबारा से आ जाए, उस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे इलास्टिसिटी. जैसे कि हमारे पास अब तीन क्लियर कट एग्जांपल्स हैं. फर्स्ट वन, अ स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय अ फोर्स, यानी जो है हम इस स्प्रिंग को एक फोर्स से स्ट्रेच कर सकते हैं. ठीक है, हम इसको कंप्रेस भी कर सकते हैं, हम इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा कि जब हम इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये वापस जो है इलास्टिसिटी के प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए ये अपनी ओरिजिनल पोजिशन वापस मेंटेन कर लेगा. नेक्स्ट वन, अ रॉड इज ट्विस्टेड बाय टॉर्क, यानी एक रॉड को जो है वो हम ट्विस्ट कर सकते हैं, उसको मूव कर सकते हैं और इसके अंदर जो है इसके अंदर भी एक फोर्स अप्लाई होगी जिसको हम टॉर्क बोलेंगे. यानी कपल ऑफ फोर्सेस होंगी जो एक साइड को लेफ्ट साइड को मूव करेगी, दूसरी राइट साइड को. तो ये टॉर्क की वजह से हमारे पास एक फोर्स आएगी जिसकी वजह से हम रॉड को जो है वो मूव कर सकते हैं. नेक्स्ट वन, अ स्ट्रिप इज़ बेंड बाय फोर्स, यानी हमारे पास एक इलास्टिक स्ट्रिप है जिसको हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये बेंड हो जाएगा, लेकिन वापस छोड़ेंगे तो ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा. तो अब इन तीनों चीज़ों के अंदर हमने कोई ना कोई फोर्स एक्ट की है बॉडी के ऊपर जिसकी वजह से इनके अंदर कोई ना कोई चेंजेस आई, लेकिन चूँकि इलास्टिसिटी को हम जो है इलास्टिसिटी के एग्जांपल्स डिस्कस कर रहे हैं तो इनमें से क्या हुआ कि इन्होंने अपनी उस फोर्स की एप्लीकेशन के बाद भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन को चेंज नहीं होने दिया. नेक्स्ट वन इज़ डीफॉर्मिंग फोर्स, द पॉइंटर ऑफ अ स्प्रिंग बैलेंस इज़ लोअर्ड व्हेन अ बॉडी इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट, यानी जो हम स्प्रिंग बैलेंस यूज़ करते हैं, ठीक है, उसके नीचे एक हुक बनी होती है जिसके ऊपर हम अपना वेट सस्पेंड करते हैं, अपना वेट वहाँ से मेजर करते हैं. तो पॉइंट ऑफ स्प्रिंग जो है वो लो हो जाता है जब बॉडी को सस्पेंड किया जाता है, यानी लटकाया जाता है वहाँ पर. इट इज़ बिकॉज द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इनसाइड द बैलेंस इंक्रीजेस डिपेंडिंग अपॉन द वेट ऑफ द सस्पेंडेड बॉडी. जाहिर सी बात है कि वो इस वजह से सस्पेंड होता है क्योंकि जो नीचे जो है हम स्प्रिंग बैलेंस के नीचे जो अपना वेट जो है वो मेजर करते हैं, उस वेट की वजह से हमारी जो है सस्पेंडेड बॉडी की वेट की वजह से जो हमारा स्प्रिंग का लेंथ होती है वो इंक्रीज कर जाती है. द अप्लाइड फोर्स दैट चेंजेस शेप, लेंथ और वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डीफॉर्मिंग फोर्स. जैसा कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा कि ऐसी फोर्सेज जो किसी भी साइज, शेप या लेंथ को चेंज करती हैं उसको हम बोलते हैं डीफॉर्मिंग फेस. ठीक है, द अप्लाइड फोर्स दैट चेंजेस शेप, लेंथ और वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डीफॉर्मिंग फोर्स. तो इन फोर्स का क्या काम होता है कि किसी भी चीज़ कोई ओरिजिनल शेप, वॉल्यूम, लेंथ को कन्वर्ट कर देना, लेकिन अगर वो इस चेंज के बाद वापस अपनी ओरिजिनल चीज़ में आ जाएं, ओरिजिनल कंडीशन के अंदर कन्वर्ट हो जाएं, तो उसको हम बोलेंगे दैट इट्स इलास्टिसिटी. नेक्स्ट वन, स्ट्रेस, द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया एट द सर्फेस ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस, यानी किसी भी यूनिट एरिया के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही है उसको हम स्ट्रेस बोलेंगे. मैथमेटिकली जो है वो हम इसको इस तरह एक्सप्लेन कर सकें दैट स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया. अगर हम इसके ऐसे यूनिट्स देखते हैं तो फोर्स के यूनिट्स जो हैं ये न्यूटन होते हैं और एरिया के यूनिट जो है वो मीटर स्क्वायर होते हैं, बिकॉज एरिया इज इक्वल टू लेंथ टू वेट. तो स्ट्रेस के यूनिट्स हमारे पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएंगे. नेक्स्ट वन इज स्ट्रेन, व्हेन स्ट्रेस एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट मे चेंज इट्स लेंथ, वॉल्यूम और शेप.
जब किसी भी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई होता है यानी कोई भी फोर्स लगते हैं किसी यूनिट एरिया पे, तो इनमें से ये तीनों चीज़ों के अंदर जो है वो वेरिएबिलिटी आ जाती है। अ रेशियो ऑफ सच अ चेंज कॉज बाय द स्ट्रेस विद द ओरिजिनल लेंथ वॉल्यूम और शेप इज कॉल्ड स्ट्रेन। यानी असल में यही रेशियो होती है कि जितना हम स्ट्रेस अप्लाई करें उस स्ट्रेस की वजह से जो ओरिजिनल लेंथ शेप और वॉल्यूम के अंदर चेंजेस आती हैं इसको हम स्ट्रेन बोलते हैं। इफ स्ट्रेस प्रोड्यूसेस अ चेंज इन द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट देन द स्ट्रेन इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेन। अब स्ट्रेन की भी आगे स्पेसिफिक एक टाइप हमने पढ़ी कि अगर हम कोई भी स्ट्रेस अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से बॉडी की लेंथ चेंज होती है, यानी एक हमने स्प्रिंग लिया, हमने स्प्रिंग को एक्सपेंड कर दिया, उसकी ओरिजिनल लेंथ थी 1 सेंटीमीटर लेकिन एक्सपेंड करके उसकी ओरिजिनल लेंथ चेंज हो गई और वो 1.5 सेंटीमीटर हो गया, तो इसको हम बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेन। ठीक है, कि वो 0.5 सेंटीमीटर से जो है वो वेरी कर गई है ओरिजिनल लेंथ से, लेंथ चेंज हुई इस वजह से उसको टेंसाइल स्ट्रेन बोलेंगे। स्ट्रेन हैज़ नो यूनिट्स एज इट इज़ अ सिंपली रेशियो बिटवीन टू सिमिलर क्वान्टिटीज़। ज़ाहिर सी बात है स्ट्रेन के जो है वो यूनिट्स नहीं होते, बिकॉज स्ट्रेन जो है ये दो सिमिलर क्वान्टिटीज़ के दरमियान रेशो है। मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो टेंसाइल स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ। यानी जो भी हमारे पास लेंथ चेंज हुई है स्ट्रेस अप्लाई करने के बाद डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ। अब दोनों लेंथ जो है ये मीटर्स में होंगी या जो है वो जिस भी होगा वो सेम यूनिट के अंदर होगा लेंथ। ठीक है, तो ये एक दूसरे से कट डाउन हो जाएंगी, तो इस वजह से स्ट्रेन हैज़ नो यूनिट्स। तो इंशाल्लाह यहीं से जो है वो हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे।